महिला इतनी दूर 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 आवे जी, मानस पानी भर इतनी देर तक बैठे रहते, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे बैठे रहो, मानस पानी भर भर कर ले जाओ आदमी। हाँ आदमी पानी आ पानी बिल्कुल अच्छा, सफाई भी नहीं जी, एक एक घंटा तक खड़े रहते हैं यहाँ पर। अच्छा पाँच पाँच छह छह कैन वाले खड़े हो जाओ, हाँ मारे वर्गी आ जाते नू देखेंगे बाट के भैया हमारा भी नंबर आओगा पानी भरने में। अच्छा जी सारे कैन भर लेंगे जब छोरे नंबर देंगे हमारे वर्गिया ने, छोरी भी आओ हमारी गेला पानी ने। अच्छा तब कितनी देर तक खड़े रहे, एक एक घंटे पानी आ रहा, पानी आ गंदा पानी आ, कैसे पिएंगे हम पानी को, जाकर देख जनौरा के पंख पिया रहे जी, ड्रामे जाकर देखो पक्षियों के जो पंख वगैरह आ रहे हैं, सारे डाल के दुख साठ, एक दुख नहीं जी पानी, पानी का दुख को ना सारे डाल के, और क्या दुख है जी, दुखी हो है और एक तो जी ठेका बंद करवाओ जी, रोड का ठेका, शराब का ठेका, सब दुखी है, जमा लुगाइया का जीना राम हो रहा, सारा दिन का काम आप लगाओ, आपकी बाण बेटी जरूर आओगी तो कितना वो होगा भाई, आजकल तन बेरा जमाना किसा खराब है छोरे देखने तो बोले, फिर ये पानी बढ़ तो एक रात नहीं आवांगे, बलियाणी गांव का सीएम का तो नाम में नाम है कुछ नहीं, बस नू है नाम है बलियाणी का सीएम है। अच्छा ना किसी ने किसी चीज का सुधार नहीं मिला अभी लग तो, ये पानी की समस्या है और भी समस्या है, सारी समस्या आज गंदगी इस गांव में रही, पानी की समस्या से बड़ी है, गरीब आदमी मकान नहीं बना रहे, अमीर आदमी मकान बना रहे हैं पैसे ले लेकर। नमस्कार मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया, और इस वक्त हम बनियानी गांव में हैं, ये देखिए जरा पास करके दिखाइए, ये बनियानी गांव है, बनियानी गांव जिला रोहतक, और बनियानी गांव खास इसलिए है क्योंकि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गाँव है, और ये जल घर है, बनियानी घर बनियानी गाँव का जल घर है, और ये टंकी बनी हुई है बड़ा सारा जो है यहाँ पे, ये सिस्टम भी दिख रहा है हमें, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, हमने पूरे गांव में घूमे, हमने बात किया कि यहाँ पर क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है, तो सबने एक ही शिकायत की कि आप पानी की पहले देखिए कि पानी के लिए हमारी जो महिलाएं हैं उनको दूर दूर जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कमलेश जी। कमलेश जी हाँ जी, तो पानी के लिए कितनी देर पहले आते हैं और कितनी देर में? 3 घंटे से बैठे रहे हाँ यहाँ पानी, हाँ पानी मिलता है नहीं यहाँ पे। अच्छा तो खट्टर साहब का गांव, खट्टर साहब के गांव है, आरो लगाने के कहे थे आरो नहीं लगाई यहाँ पर। अच्छा ये पानी हम कहाँ से करेंगे, कितनी दूर दूर से, एक ही नल है, यही खारे मीठा यही आवा है। अच्छा एक ही नल है भी, यही तो कितनी ब्रांड माटी हो, महिला इतनी दूर दूर आवे जी, मानस पानी भर इतनी देर तक बैठे रहते, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे बैठे रहो, मानस पानी भर भर कर ले जाओ आदमी, हाँ आदमी पानी ले जाओ, हाँ जी हमारे बैठे रहो वहाँ, तो किसी दिन करता हुआ बूढ़ी लोग आई बैठू, जब नहीं टाइम लगेगा नहीं नंबर देंगे तो बच्चा रे खंडा होंगे मेरे घर के लिए कर जाऊँ पानी, फिर क्या दिक्कत हो रही, इतनी दिक्कत हो रही हमने, तो फिर ये बताइए कि जब खट्टर साहब आते हैं आपके गांव में आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ वहाँ तो फिर क्यों पानी दे कर जाए, हम कुछ भी नहीं कर दे, बोलते नहीं आप कि भाई पानी तो दीजिए पानी हमें, दो दो तीन तीन बतेरे का हम लोग नाला खूब का वहाँ सुनवाई नहीं करता, सुनवाई नहीं है, नहीं है जी हमारी सुनवाई है ही नहीं जी, 5 साल हो गए उन्हें बड़े ने पानी की आती भी आरो नहीं लगाया है, और तीसरे दिन भी पांचवा दिन भी चौथा दिन पानी दे रहे सप्लाई का, तो क्यों गुजारा होगा जी हमारा, पानी में बदबू आती है क्या? हाँ जी बदबू है आ रहा पानी बिल्कुल। अच्छा सफाई भी नहीं जी पानी में, आप कितने कितना टाइम लग जाता है यहाँ? एक एक घंटा तक खड़े रहते हैं यहाँ पर। अच्छा पाँच पाँच छह छह कैन वाले खड़े हो जाओ वहाँ हमारे वर्गी आ जाते नू देखेंगे बाट के भैया हमारा भी नंबर आओगा पानी भरने में। अच्छा जी सारे कैन भर लेंगे जब छोरे नंबर देंगे हमारे वर्गिया ने, छोरी भी आओ हमारी गेला पानी ने। अच्छा तब कितनी देर तक खड़े रहते, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटा रहा वहाँ इस टाइम पानी ना, और यही टाइम रोटी वगैरह बनाने का घर में काम करने का भी है जी, और काम टाइम है सारा तो रोटी उसी टाइम पानी ना वहाँ ये जी लाग रहे, आज का टाइम चले गए वो तो जी, आज पानी का वार, आज पानी लग भी नहीं छोड़ दिया, तो पानी एक दिन भी आता है दो दिन भी आता है ना जी, आज तीन तीन चार चार दिन में आवा पांच पांच दिन भी हो जी पानी, तो है पूरा गांव जो है इसी एक नल पे निर्भर है, इसी एक गांव एक कॉर्नर के जी एक ही और अरे को रे बस मचा पट्टा है, उसमें मचा पट्टा चाय फट जाती है। हाँ अच्छा देखिए हरियाणवी बोली है अपना मिठास है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने के लिए करना पड़ता है, चाय उसमें नहीं बनती है, नहीं जी बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा आप बताइए बहन जी कितनी कितनी देर तक बैठना पड़ता जी? 1 घंटे थी बैठे रहे हम तो, और आंदा ही नहीं टाइम मारा तो कोई भी, पानी नहीं आता ना जी, पानी ना आंदा जी, बेटा थोड़ा नीचे उतर जाओ कभी गिर जाओगे इसमें, लड़कियां ने कैसे गाल जी 1-1 घंटे थी यहाँ बैठे रहे। अच्छा और मर्द मानस पानी लेकर जावा जी सारिया ने,
ये भी कैसे बैठे रहा जी आप? डर भी लगता होगा कि जवान बेटा। हाँ जी सारा डर लगा, डर लगा जी, घर में रोज जूत बाज जाए जी। इस बात पे लड़ाई होती है जी? खूब लड़ाई होगा जी। तो इस बात पे भी लड़ाई होती होगी भाई साहब के साथ में कि आप पानी लेके आओगे, मैं नहीं लेके आऊंगा? है वो है जी, बाइक ना होता जी कितना ले, हमारे तो बाइक भी नहीं है जी। अच्छा तो आप लोग भी पानी के लिए आए, पानी लेने के लिए आए? अच्छा अच्छा, ये आप इसका जो देखते हैं इसको? हाँ। ये महिलाएं कह रही है आप पानी नहीं छोड़ते, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये सारी महिलाएं बोल रही है। मैं अपने घर ले जाता हूँ इस पानी को। फिर यहाँ पानी का क्या समस्या है बुझवाओ, क्या समस्या? अंदर तो देखो पानी की जो है, यहाँ पे जो महिलाएं कह रही है। अच्छा। पानी को आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत है? पानी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं पानी की। ये तो सभी महिलाएं कह रही है, ऐसे तो सब कहते हैं, किसी गांव में चले जाओ देखिए भरने के। ये तो पीने का पानी है ना? पीने का पानी नहीं है, सप्लाई नहीं होती। सप्लाई होती है, क्यों लोग यूज तो नहीं करते ना उसको? क्यों नहीं यूज करते हैं भैया? दिक्कत क्यों नहीं? ये मतलब पानी है, पानी आ गंदा पानी आ, कैसे पिएंगे हम पानी को? जाकर जनौरा के पंख पिया रहे हैं जी, ड्राम में जाकर देखो पक्षियों के जो पंख, हाँ पंख वगैरह आ रहे हैं, ड्राम में देख लो जी आज जाके। बिल्कुल जी पंख है, ड्राम धोया भी नहीं है महाराज। पानी भी आता है ड्राम छोटा, ये पानी भी आता है ड्राम छोटा, ये और इतना पानी जमा दो बनती है तो फालतू पानी नहीं छोड़ता है, और रीज रहा जब बंद कर दे है। इसका घर बिकाया है हमें, इसकी तब निपटारा करवाओ है। अच्छा जब आपको तो आप अपने जब मायके जाती होंगी है? आपके अपने घर जाती होंगी है? जब बोलते होंगे कि हमारे गांव में तो खट्टर की, हमारी लड़की की शादी खट्टर के गांव में कर रखी है। खट्टर का तो बिरान हो रहा हमें अरे जी खट्टर की सा खट्टरा तो अपनी बानी ला रखी सब ना। नहीं आप अपने जब रुके रुके आप अपने जब गांव में बताती होंगी या आपकी मम्मी बताती होगी कि हमारी जो बेटी है उसकी शादी हमने खट्टर के गांव में कर रखी है। हाँ जी कर है, तो इस बात की इज्जत मानते होंगे? इज्जत तो मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी बेटी जो है फिर पानी ऐसे भर रही है जी? सारे डाल के दुख साठ है, एक दुख नहीं जी, पानी पानी का दुख को ना सारे डाल के। और क्या दुख है जी? दुखी हो एक जी ठेका बंद करवाओ जी, रोड का ठेका, शराब का ठेका, सब दुखी है जमा लोग का जीना आराम हो रहा है। सारा दिन का काम करा और रात ना दौड़ वड़े की चौदम ऊपर तो पानी और घर का काम। तो देखिए ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे पानी लेके आ रही हैं, और ये पॉलिथीन क्यों डाला हुआ है इन्होंने? ये देखिए यहीं पर जो है ये महिलाएं पानी भर रही है, और ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो मच्छर भी होंगे अभी थोड़ी देर में। मच्छर तो इतने सारी सारी रात हम दूं में। ये आप लोगों ने पॉलिथीन क्यों डाल रखा है उसमें? ये पानी ऊपर गिरा है देख चमत है। अच्छा फिर पॉलिथीन डालने से पानी बाहर नहीं आएगा? बाहर को नहीं आया वो पानी। हाँ जी आप कितनी देर पहले आई थी? अभी आपका नंबर आ गया? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया तो आप तो खुशकिस्मत रही, आधा घंटा में नंबर आ गया। यहाँ पे आप थोड़ी देर में मच्छर भी खाने लग जाएंगे आप लोग? ये पानी का जो टोटा नहीं होता जी, टेम्पू ले ले पानी लेना है, टेम्पू लेके पानी लेना है। अच्छा देखिए वो गिर गया किसी का पानी में। देखिए ये जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गांव है बनियानी, जिला रोहतक में है, और यहां पर जो है ये गांव का सीएम साहब की बेइज्जती नहीं कर सकते। नहीं ये फिर पानी आप लोग जो है बेइज्जती मत करिए, हम कौन आरो लगा रहे जी, हमारा सीएम साहब ने हमारे घर घर पानी पहुंचा है, हमारे घर में सीएम साहब ने आरो आर लगा रहे की घर घर पानी पहुंचा है। आप क्यों टेम्पो लेकर? मैं तो आरो का पानी डिग्गी मत लेना हूँ, डिग्गी से पानी लेना, हमारे गांव का सीएम साहब हम बेइज्जती नहीं कर सकते। देखिए ये टेम्पो में जो है मोटे मोटे वो मील लगा कर नहीं से मोटे मोटे अगरबत्ती लगा के धूप ना दे वो मील लगा रखे ना तो देखिए ये रुके रुके शांति रखिए। ये जो है मनोहर लाल खट्टर का गांव है, और ये जमीनी हालात है। ये देखिए मशीन, ये जो है अभी ये टावल लगाया है ताकि सीट जो है वो फटे ना, ये टावल लगाया है, और इस पे जो है ये दो कैन जो है पानी की, कितना 20 लीटर से ज्यादा पानी होगा इसमें? 50 लीटर दोनों 20 या 35। अच्छा तो कितनी दूर से आए जो बाइक लेके आए आप लोग? हम तो भाई घनी दूर तारिया गांव के बीच में, तारिया गांव के बीच में से आ रखे हैं।
है? ये ले रे का नहीं, पानी का नंबर नहीं आया हमारा। यानी जिसके घर में बाइक मोटरसाइकिल है वो बाइक से मोटरसाइकिल नहीं, नहीं। आएगा नहीं तो अपने सिर पे लेके जाएंगे। हाँ, सिर पे लेके जाएंगे जी, और जवान बेटी को नहीं काट सकते हम। मैं भी लेके जाऊँ बूढ़ी लोग आई सर पर के। अच्छा, और पानी भर कर जा, और जवान बेटी निकाल सकते जी हम। इतना टाइम हो जाए, जवान बेटी ने कैसे घालेंगे? रोड का काम है, इतनी दूर तो पानी ले कहाँ है जी? जब कुछ घटना घटेगी क्या करेंगे हम? छोटा मोटा लंबा रोड गाल को नहीं सका, जवान छोरिया नहीं इतनी दूरिया सोच ले। ये बाप लगाओ आपकी बाण बेटी जरूर आवगी तो कितना वो होगा। आजकल तन बेरा जमाना किसा खराब है छोरिया देखने तो बोले। फिर ये पानी भर तो केक रात नहीं आवागे, पानी तो भरना, पानी की तो सुविधा हो जानी चाहिए थी। उधर तो भाई किसे की कोई नहीं, ना तो सफाई की। बलियाणी गांव का सीएम का तो नाम में नाम है कुछ नहीं, बस नू है नाम है बलियाणी का सीएम है। अच्छा, ना किसी ने किसी चीज का सुधार नहीं मिला अभी लग तो। ये पानी की समस्या है और भी समस्या है, सारी समस्या है। गंदगी इस गांव में रही। वो अंकल आंटी भी पानी लेने आए स्कूटर पे, सारे लोग आए। देखिए स्कूटर पे जो है ये पानी लेने के लिए आए हैं। आप भी स्कूटर पे पानी लेने के लिए आए? हमारे गांव में नासी होना कुछ नहीं है गांव में, समझिया? हाँ, क्यों प्रदेश में रखे बोर्ड खराब कर रखे सारे हमारे। ये देखिए इधर से दिखाइए जरा, ईंट रखा हुआ है के ऊपर जो है ये ड्राम रखेंगे, और अब अंकल आंटी दोनों जो है स्कूटर पे पानी लेने के लिए आए। स्कूटर पर रोजा ताऊताई, चलो ताऊताई बोल देते। क्या पूरा गाँव परेशान है इस पानी की वजह से? ये पानी की समस्या, पानी की समस्या से बड़ी है। गरीब आदमी मकान नहीं बना रहे, अमीर आदमी मकान बना रहे हैं पैसे ले लेकर। अच्छा, वो तो कहते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कौन सा भ्रष्टाचार? गांव में जाकर देख बहन, गरीब तो बहन तो भूखे मर रहे हैं, अमीर एक कोठी बना रखी पैसे ले लेके सरपंच ने। तो जब टीवी वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, आपकी ये पानी वाली बात दिखाते हैं कि नहीं? सब दिखाते हैं, पर फिर कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई नहीं करा, कोई फर्क नहीं। सीएम अपने आप देख के गया। अच्छा, अपने आप नहीं आया सीएम? आते तो बोलते नहीं कि हमारी बहन बेटियों को हमको खुद वो स्कूटर लेके जाना पड़ रहा है? वो सब बता दिया सब उसको। फिर मैं बताऊँ, इस जाति का शर्म ही ना है बस। ये पंजाबी ने बनाया ना, पंजाबी किसी का है नहीं, बात ही खत्म कर। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है पानी की समस्या जो है वो गंभीर समस्या है, और कम से कम जो है उसको लिए समाधान होना चाहिए था। 5 साल एक लंबा वक्त होता है पानी की जो है घर घर तक पहुंचाने की, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो पानी के लिए यहाँ पर आ रही है। जो ताऊ जी हैं, अंकल जी हैं, वो स्कूटर लेकर के यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग मिले वो टेम्पो लेके आ रहे हैं, ये देखिए बाइक पे लेके आ रहे हैं, और ये अब बहन जी जो है वो सर पे लेके जा रही है। और ये लोगों की बात यह है कि एक एक घंटे से जो है यहाँ पर तंग होकर पहले इंतजार करना पड़ता है, फिर उसके बाद में नंबर आता है। ऐसे में विकास कितना हुआ है इसका अंदाजा आप अपने आप लगा लीजिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।